नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मशरूम प्रशिक्षण केंद्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं और जिस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, ये एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि यहां पर अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, जो भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ के जो मशरूम के जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। अलग अलग डॉक्टर्स आकर के आपको प्रशिक्षण देते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मशरूम की, तो आप किसी भी लोकेशन से हो तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आपको इसमें मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो ट्रेनिंग फ्री होती है, कुछ लोगों के लिए चार्जेबल भी होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि किन लोगों के लिए ये चार्जेबल होती है, किन के लिए ट्रेनिंग फ्री होती है, और अगर चार्ज लगता है तो कितना चार्ज होता है, और यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ कि लोकेशन यहाँ का क्या है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हरियाणा में, हरियाणा स्टेट के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में मुरथल एरिया है। तो मुरथल में ये स्थित है। तो यहाँ पे जो हरियाणा के लोग हैं उनको तो मुरथल पता होगा, लेकिन जो हरियाणा के बाहर के होंगे उनको नहीं पता होगा। अगर वो हरियाणा के बाहर से आना चाहते हैं तो हरियाणा में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सोनीपत बस स्टैंड उतरेंगे। सोनीपत बस स्टैंड पहुँचने के बाद आप वहाँ से किसी से भी पूछेंगे, मुरथल जो मशरूम ट्रेनिंग फार्म है वहाँ जाना है। तो मशरूम ट्रेनिंग सेंटर लोगों को पता है वहाँ पर, तो आप किसी भी ऑटो या रिक्शा को बुक करके वहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। ये तरीका हुआ आपको लोकेशन तक पहुंचने का। अब वहां पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वहां पे, आप उसको बताएंगे और अपनी एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आपको वो बता देगा कि आपकी ट्रेनिंग किस साइड है और आप इस तरह से अंदर एंट्री कर पाएंगे। अब जो ट्रेनिंग यहां पे होती है वो महीने में 2 बार दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। यानी रजिस्ट्रेशन जो होता है लोगों का, वो एक बैच 50 लोगों का होता है। जैसे 50 लोगों की बैच पूरी हो जाती है तो यहाँ ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। इस तरह से महीने में मैक्सिमम 2 बार ट्रेनिंग दी जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बैच में जो 50 लोगों की संख्या वो एक महीने में नहीं पूरी हो पाती है, तो उसको अगले महीने के लिए शेड्यूल कर दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि लोगों की संख्या कितनी है। तो ट्रेनिंग मैक्सिमम महीने में 2 बार की जाती है। अगर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो 2 बार ट्रेनिंग एक महीने में दे दी जाएगी, उसके बाद जो बचते हैं उनको अगले महीने में मूव कर दिया जाता है। और अगर कम होती है संख्या तो वेट करते हैं ये रजिस्ट्रेशन, जैसे ही 50 लोगों की हो जाती है तो फिर उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल कर दी जाती है और कॉल करके लोगों को बता दिया जाता है। और 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें से 4 दिन आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और 5वें दिन आपको सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पर 4 दिन की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर। और जो ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर आपको मशरूम की जो बिजाई होती है, खाद कैसे बनाया जाता है, बिजाई कैसे करते हैं, देखभाल कैसे करते हैं, अगर कोई रोग लगता है तो उससे बचने के लिए क्या तरीका है, क्या उपाय है, वो सारी जानकारी दी जाती है। और प्रैक्टिकल तौर पे आपको वहाँ पे कुछ बैग बनवाए भी जाते हैं मशरूम के, और जो आसपास के इलाके में जो मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं लोग, उनके फार्म पर आपको विजिट भी कराया जाता है। तो यहाँ पर ये सारी व्यवस्था है। अब इस पे आपको करना क्या है कि जब आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो अगर आप हरियाणा के बाहर से हैं, यानी जो हरियाणा के लोग हैं, या आपके पास हरियाणा का आधार कार्ड है, या आप हरियाणा से हैं, तो आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हरियाणा के लोग हैं उनका जो चार्ज होता है, फीस होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से पे आउट हो जाता है। जो हरियाणा की गवर्नमेंट है हरियाणा के लोगों के लिए पेमेंट कर देती है, इसलिए हरियाणा के लोगों का कोई चार्ज नहीं लगता है। आपके पास अगर आधार कार्ड आप बाहर के भी हैं लेकिन हरियाणा से बना हुआ है तो आपका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ हरियाणा से हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपका चार्ज होगा 4,000 रुपये। 4,000 रुपये जो चार्ज लिया जाएगा, इसमें आपका ट्रेनिंग, रहना, खाना सब कुछ इंक्लूड है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर
जो विजिट कराया जाता है फार्म का, वो भी चार्जेस सब कुछ इसमें इंक्लूड है, आपको अलग से नहीं देना होगा। क्योंकि जब आपका 3 दिन का ट्रेनिंग हो जाता है तो चौथे दिन ये क्या करते हैं कि एक गाड़ी बुक करते हैं, गाड़ी बुक करके जितने भी लोग हैं सबको लेके जाते हैं 2-3 फार्म पर, आपको विजिट करवाते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे मुरथल के आसपास किसान जो फार्मिंग कर रहे हैं मशरूम की बड़े लेवल पे, उनके फार्म पर आपको ले जाके विजिट करवाएंगे, आपको दिखाते हैं कि ये लोग कैसे फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनसे आप बात करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे जाइएगा ट्रेनिंग लेने, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने जो पहले से मशरूम की फार्मिंग कर रहे होते हैं, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर आप ले लीजिएगा, ताकि भविष्य में कभी आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप कॉल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, अब आपको कॉन्टैक्ट नंबर का इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर जिस अगर आपको प्राप्त करना है तो इसके लिए मैं वर्बली भी बता सकता हूँ, लेकिन वर्बली बताने पर क्या होता है कि कई बार अगर यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाता है तो जो मैं बताता हूँ उसी को आप कॉल करेंगे, तो वो नंबर अगर चेंज होगा तो हो सकता है आपकी कॉल कनेक्ट ना हो तो आप परेशान हो, तो इसलिए मैं आपको गूगल में सर्च करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में जाना होगा, गूगल में जा करके आपको लिखना है मशरूम ट्रेनिंग नंबर मुरथल। गूगल में जाके आपको मशरूम ट्रेनिंग नंबर मुरथल आपको लिखना है, ये आप देख पा रहे होंगे मशरूम ट्रेनिंग मुरथल, जब आप लिखेंगे इसमें तो इसमें आपको सबसे टॉप पे देखिए लिख के आ रहा है HAIC हैक मशरूम डेवलपमेंट सेंटर। इस मशरूम सेंटर पे इस पर क्लिक कर दीजिए आप, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, जो अभी अपडेटेड कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे 01302484107, आई रिपीट 01302484107, ये अभी का नंबर है। अगर फ्यूचर में कभी ये नंबर चेंज होता है तो अपडेट होगा तो यहीं पे आपको अपडेटेड नंबर भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपको गूगल का तरीका बताया। तो आप इस नंबर को कभी भी गूगल पे जा करके सर्च कर सकते हैं और कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट का तरीका आपको फिर से मैं बता दूँ कि अपॉइंटमेंट के लिए आप यहाँ पर कॉल करेंगे सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, कॉल करके अपना नाम एड्रेस बताएंगे और कब आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन ये कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना होता है कि जब आपका ट्रेनिंग होना होगा उसके 2-3 दिन पहले ये कॉल करके आपको बता देते हैं कि आपकी ट्रेनिंग किस दिन शेड्यूल हुई है, तो आप उसी हिसाब से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है और कोई क्वेश्चन है तो जब आप यहाँ पर कॉल करेंगे तो वहाँ पर पूछ भी सकते हैं। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही था दोस्तों, आने वाले वीडियो में और भी अलग अलग जगह से ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जुड़ चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाले समय में और भी वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।